तो आज हम डीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इसका फुल रिव्यू करते हैं, एडमिशन डिटेल्स। ये सेंट स्टीफन कॉलेज है, NIRF रैंकिंग जो है, इंडिया रैंकिंग 2018 में इसकी सेकंड रैंक आई थी इस कॉलेज की। और इसमें जो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं वो हैं 10 कोर्सेज़ हैं टोटल, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BA इंग्लिश, BA हिस्ट्री, BA फिलॉसफी, BA संस्कृत, BSc मैथमेटिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc फिज़िक्स, BSc प्रोग्राम फिज़िकल साइंस, BA प्रोग्राम। और जो पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं वे 9 हैं टोटल, MA इकोनॉमिक्स, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA फिलॉसफी, MA संस्कृत और MSc मैथमेटिक्स, MSc ऑपरेशन रिसर्च, MSc केमिस्ट्री, MSc फिज़िक्स। इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 10.25 लाख पर ईयर का है, हाईएस्ट पैकेज इसमें 26 लाख ऑफर किया गया है। इसका आप देख सकते हैं ईयर वाइज भी प्लेसमेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है वो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में है 34.8% और BSc मैथमेटिक्स में उसके बाद 25.8%। और ये फिर और कोर्सेज का प्लेसमेंट है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें 12th के बेसिस पे कट ऑफ निकलती है, उसके बाद एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और फिर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करा जाता है इसमें। और जो PWD से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनका इंटरव्यू होता है और बस 12th के बेसिस पे उनकी लिस्ट निकलती है, मेरिट लिस्ट, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता। और जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं उनके स्पोर्ट्स की तो 30% लिए जाता है मार्क्स, और फील्ड ट्रायल के 35% और 12th के 20% और इंटरव्यू के 15%, उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। और अगर हमें मास्टर कोर्स करना है स्टीफन कॉलेज से तो हमारे BA, BSc और एनी अदर इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। और आप ये इसकी कट ऑफ भी देख सकते हैं, इसकी ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ 98 के पास ही जाती है, 95, 96, 97, 98। फर्स्ट लिस्ट में तो इसकी ज़्यादातर 98% ही जाती है 12th में साइंस वालों के लिए। और इसमें जो टोटल सीट्स होती हैं स्टीफन कॉलेज में, 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्वड हैं क्रिश्चियन कैटेगरी के लिए, और इसमें और कोई कैटेगरी नहीं होती है और सब जनरल में आते हैं।